आज के इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेसिस या बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सप्रेशन से जुड़े क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन या इक्वेशन में मॉड एक्स का यूज़ किया गया है, तो मॉड एक्स को कैसे ऑपरेट करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो 1, 2, 3, 4 जो भी ऑप्शन हैं, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जितने सॉल्यूशन आएंगे, अगर दो आएंगे तो आंसर दो आएगा, तीन आएंगे तो तीन आएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने केस वन और केस टू लिया गया है। केस वन और केस टू लेने का रीज़न ये है कि मॉडलस की डेफिनेशन, जब भी मॉड आप डिफाइन करते हैं तो अगर एक्स जीरो से बड़ा या बराबर है तो एक्स होगा, और जीरो या से छोटा या जीरो छोटा है तो माइनस एक्स होगा। इस बात को आगे समझते हैं। मॉड एक्स बराबर एक्स लिया गया, यानी जहां पर भी मॉड दिखेगा वहां एक्स लेंगे। ये कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, टू का मॉड जब भी देखा गया, यहां पे टू का मॉड टू है, थ्री का मॉड थ्री है, कोई भी ऐसा नंबर एक्स इज पॉजिटिव, यानी कोई ऐसा नंबर आप मॉड में डालते हैं जो पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू एक्स ही आएगी। तो मॉड एक्स और एक्स में डिफरेंस नहीं है, कब नहीं है, जब एक्स पॉजिटिव है। तो केस में हम मान चलते हैं कि एक्स पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज, अब ये आपके सामने लिख रहे हैं एक्स इज पॉजिटिव। जो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो मान चलेंगे कि एक्स पॉजिटिव है, निगेटिव हमारे पास नहीं है, निगेटिव को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिव ही ले पाएंगे। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में मॉड एक्स की जगह हमने एक्स रख दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू बराबर जीरो आ गया। इसके फैक्टर आप इजीली कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू वन और टू आई। हमने बोला था कि पहले ही हमने मान चल रहे हैं कि एक्स पॉजिटिव है, तभी मॉड एक्स की जगह एक्स रख पाया। अब दोनों जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव है तो ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे और ये भी कर लेंगे। तो यहाँ से हमें दो सॉल्यूशन इसलिए मिले कि जो सॉल्यूशन आए वो पॉजिटिव थे, इसलिए ले लिए। अगर सॉल्यूशन निगेटिव आते तो वो नहीं लेते, वो डिस्कार्ड हो जाते। सेकेंड केस में मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स किया गया, यहाँ दिखाया ही है कि या तो एक्स आएगा या माइनस एक्स आएगा। अब ये माइनस एक्स क्यों आया है यहाँ पे देखते हैं। जब हमने माइनस थ्री डाला तो थ्री आया, तो माइनस थ्री डालने पर थ्री आने का रीज़न क्या है कि माइनस थ्री थ्री तब हुआ होगा जब माइनस थ्री के आगे माइनस लगाया गया हो। माइनस थ्री इस एक्स के आगे हमने एक माइनस और रख दिया, वो कैसा बन गया, पॉजिटिव। तो जब भी निगेटिव आप डालेंगे, जैसे माइनस फोर डाल रहे हैं, माइनस फाइव डाला, तो यहाँ दिखाया गया है कि माइनस फाइव हमारा एक्स था और उसके आगे माइनस लगा दिया गया तो ये क्या आ गया, फाइव। तो एक्स निगेटिव डालेंगे यहाँ पे, अगर एक्स निगेटिव है तो उसके आगे माइनस लगा देंगे तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो गया। तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहे हैं इसलिए कि एक्स निगेटिव है, तो मॉड एक्स में हमेशा पॉजिटिव निकल के आता है, तो माइनस निगेटिव वाले एक्स को माइनस लगा दिया गया, तो एक्स मॉड एक्स की जगह हमने माइनस एक्स रख दिया। सॉल्व किया, माइनस वन माइनस टू आया। पहले बताया गया कि मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहे हैं तो एक्स लेस देन जीरो, कहने का मतलब एक्स इज निगेटिव, एक्स को निगेटिव मान चल रहे हैं, सोल्यूशन भी निगेटिव आए तो इसको भी ले लिया और इसको ले लिया। दोनों केस में वहाँ पे दो सोल्यूशन मिले, यहाँ दो मिले, टोटल सोल्यूशन कितने हो गए इस इक्वेशन के, चार, यानी नन ऑफ दीज। आंसर जो होना चाहिए था फोर था। अगर कभी आंसर फोर हो इस क्वेश्चन का तो आप इसको कर सकते हैं, चार आंसर आया, फोर आया, चार सोल्यूशन आए, दो इस केस में, दो इस केस में। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं और यहाँ दोनों निगेटिव हैं। अगर वहाँ पर एक पॉजिटिव निगेटिव होता या यहाँ पर एक निगेटिव पॉजिटिव होता तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला लिया जाता, निगेटिव वाला नहीं लिया जाता। जैसे कि सोल्यूशन सपोज एक्स बराबर माइनस वन और टू आया, तो अब हमने पॉजिटिव मान चला है तो ये वाला ले लिया जाता और ये नहीं लिया। जो भी क्वेश्चन कंसीडर किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में इस टाइप के बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, सीरीज़ को या किसी पैटर्न को हम रिपीट करते हैं इनफाइनाइट टाइम्स पे, तो किस तरीके से इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे, कैसे इसको एक्सप्रेशन में रिप्लेस करेंगे देखते हैं। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो इस वाली पैटर्न को अगर हम देखें
दोबारा फिर से इस चीज़ को हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने टू लिखा, फिर उसके बाद प्लस लिखा, फिर वन अपॉन में, फिर टू लिखा, फिर प्लस लिखा, वन आएगा, फिर टू प्लस, ऐसे आएगा। तो अब हमने ये लिखा इतना था बेसिकली, और इसको ऑब्जर्व करें तो इसमें पूरे में, इस पूरे में, यहाँ पर और इस वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कहने का मतलब, अगर इसको हमने x माना है, इस पूरे को x माना है, तो ये भी इनफाइनाइट तक है तो ये भी x होगा, तो 2 प्लस वन अपॉन x। इतनी बात आप समझ गए होंगे, बार बार उसको रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो बैक करके आप दोबारा उसको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस माइनस वन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। फैक्टर अगर सिंपली नहीं हो पा रहे तो सीधाचार मेथड लगाएंगे, आपको पता ही होगा, रिमाइंड करा दें, या बहुत ही नीचे लेवल की बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये बहुत ही नीचे लेवल की बात ही आनी चाहिए। माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, एक्स स्क्वायर कोफिशेंट, एक्स के कोफिशेंट, ये सब रखने हैं। यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर फोर और माइनस फोर ए सी, फोर ए वन और ए सी माइनस वन अपॉन टू, तो एक्स बराबर टू प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना जाएगा, ये प्लस फोर हो जाएगा भाई, एट बाई टू, ये टू रूट टू होता है। तो जब आप कट करेंगे तो दो से दो के चला गया, तो वन प्लस माइनस रूट टू, टू यहाँ से गया और टू यहाँ से गया। अब देखिए इसकी दो वैल्यूज आई, एक आई वन प्लस रूट टू, एक आई वन माइनस रूट टू, एक बार प्लस लेंगे माइनस लेंगे। अब वन माइनस वन पॉइंट फोर वन फोर समथिंग, तो 1 से 1.141 समथिंग घटाएंगे, तो 1 और 1.141 समथिंग, तो ये 1.4 जो है 1 से बड़ा है, तो जब बड़ी चीज़ 1 से घटेगी तो नेगेटिव आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है ही। अब एक बात यहाँ, कॉमन सेंस, मतलब दो आंसर आ गए, चाहें तो हम लोग बी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, बी ऑप्शन बट सही नहीं है, बी ऑप्शन गलत हो गया, मोस्ट प्रियोरिटीज़ थी हमारी बी ऑप्शन को टिक करने की, वो हमने गलत कर दिया। गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये सब जुड़ रहे हैं, पॉजिटिव 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 जुड़ रहे हैं इनफाइनाइट टाइम्स, तो आंसर कैसा आएगा। तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन पहले लगा ली कि एक्स इज पॉजिटिव, एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा। तो यहाँ पर दो आंसर आए, एक पॉजिटिव आया एक निगेटिव आया, इसका मतलब पॉजिटिव वाला ही लेंगे, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी आंसर बन गया। बार बार मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दें, जो आप क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, फैक्टर थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें कि x प्लस टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशंस, तीन एक्सप्रेशंस दी गई हैं, एक एक्सप्रेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, दूसरी दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू, एंड कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस बी, एक्सप्रेशंस इक्वल टू जीरो नहीं होती हैं। तो आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन से कंक्लूड करना है कि k का मान क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी। ऑब्जेक्टिव नहीं लिया, कॉन्सेप्चुअल है, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है जो एक कॉन्सेप्ट है, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स मतलब कोई भी एक्सप्रेशन का कोई फैक्टर है, तो क्या इम्प्लाइज होगा कि x माइनस अल्फा बराबर ज़ीरो, यानी उस फैक्टर को आप ज़ीरो करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी अल्फ़ा, वो उस एक्सप्रेशन में रखने पर वो उसको सेटिस्फाइड करेगी, उसको इक्वेशन बना देगी। यानी फैक्टर एक्सप्रेशन का है, अगर फैक्टर को जीरो करके आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो वो एक्सप्रेशन में वापस रखते हैं तो वो उसको ज़ीरो बना देती है, इक्वेशन बना देती है। तो वही इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर भी, एक्स प्लस टू जो फैक्टर है उसको ज़ीरो किया गया, एक्स बराबर माइनस टू आया, तो इस बारी बारी से सबको सेटिस्फाइड करेगा। तो वहाँ तीन एक्सप्रेशन दी गई, तो वो दोबारा हमने यहाँ लिखी हैं, उनको सेटिस्फाइड करने का मतलब होता है कि एक्स के स्थान पर, एक्स की जगह आप जो वो एक्स की वैल्यू आई है वो रख दीजिए, वो एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगी। तो यहाँ पे दिखाया गया है, अब स्टेप्स को देख सकते हैं कि सॉल्व करके, इससे हमने ए की वैल्यू माइनस वन निकाली है, दूसरी वाली एक्सप्रेशन से हमने बी की वैल्यू निकाल ली है सॉल्व करके। आपके सामने विजुअल कैलकुलेशन पार्ट आपका है, आप इतना कर सकते हैं, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। और तीसरी वाली इक्वेशन में हमने जब रखा तो लास्ट में हमारी एक्सप्रेशन इक्वेशन
टू दिस आई। अब हमें के का मान निकालना है, तो ए बी का मान पहले निकाल चुके थे, ए बी का मान जैसे ही यहाँ रखेंगे के का मान आपके सामने होगा। तो देखते हैं, 4k प्लस ए माइनस बी बराबर ज़ीरो, तो 4k बराबर बी माइनस ए, तो k बराबर बी माइनस ए बाई फोर। ए और बी की जो वैल्यू निकाली है 3 और माइनस माइनस प्लस 1 बाई फोर, तो 4 बाई 4 आंसर 1 आ गया। तो k का मान, k की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आंसर आ गया 1। यही आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। जो आप क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं वो मॉडुलस के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो मॉडुलस के कॉन्सेप्ट जल्दी से बच्चे को समझ नहीं आते हैं, तो एक बार हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको भी ध्यान देना है, एक बार कुछ पैटर्न मैं आपको यहाँ दिखाऊँगा, उस पैटर्न के बेसिस पर अगर आप समझ पाते हैं तो ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान दें कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री बराबर 7 है, तो x की वैल्यू निकालनी है 6 माइनस 1, 6 और माइनस 1 और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पे फिगर भी बनाए और उनको रियल लाइन पे दिखाया। एक चीज़ को हम यहाँ पे इधर या इधर बता देते हैं, मॉड x के बारे में बताते हैं पहले। कभी कोई चीज़ मॉड में 2 का मॉड 2 है, 3 का मॉड 3 है और माइनस 2 का मॉड 2 हो जाता है, तो कहा जाता है कि मॉड हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात हमें समझ में आ गई, बहुत इजी है। जब यहाँ पे डिफाइन करते हैं x 0 या 0 से बड़ा तो x आया, और 0 से छोटा हो माइनस x आया, तो बताया गया कि पॉजिटिव है बट ये माइनस आ गया। तो ध्यान दें जो यहाँ पे आया है, इसको जब माइनस x किया है तो निगेटिव था, x निगेटिव था, उस निगेटिव के आगे क्या लगाया गया, माइनस वन, तो ये पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो माइनस एक्स जो है पॉजिटिव है, माइनस एक्स निगेटिव नहीं है। माइनस इसलिए लगाया गया कि निगेटिव एक्स था, एक्स लेस देन जीरो माना है तब पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव बना था ही ऑलरेडी, और यहाँ पॉजिटिव बना दिया, इसलिए मॉडुलस क्या हो गया, पॉजिटिव। जब इसके मॉड को ग्राफ बनाएंगे तो जीरो पर जाके आप ऐसे, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट होता है जीरो पर। एक और ग्राफ बता देते हैं अगर आप समझ पाएँ तो, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। अब इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जो अंदर डाला गया है x माइनस वन, वो 0 या 0 से बड़ा है तो आप ऐसे ही निकाल देंगे, और x माइनस वन लेस देन 0 है तो जो भी डाला गया था, यानी ये ओवरऑल नेगेटिव है, तो उसके आगे क्या लगा दीजिए, माइनस। ग्राफ कैसे बनेगा, x बराबर 1 पे जाइए और यहाँ पे टर्निंग पॉइंट होगा। तो यहीं पे ऐसे बहुत सारे 5 अपने ग्राफ बनाए मॉड x बराबर मॉड x के लिए। देखिए यहाँ पे बनाया और दिखाया है कि x बराबर 0 के आगे पॉजिटिव है और पीछे निगेटिव है, तभी तो ये इधर जा रहा है, निगेटिव x निगेटिव था तभी तो मॉड ने माइनस लगाया। और मॉड ऑफ x माइनस 1 का मतलब है कि ये ग्राफ गया, डॉटेड दिखाया गया, ऐसे दिखाया गया, तो 1 पे लेंगे, 1 के इधर पॉजिटिव और निगेटिव। x प्लस 1 के लिए दिखाया, x माइनस 2, x माइनस 3 के लिए, x प्लस 3 के लिए देख लें। ये बातें अभी आगे ध्यान रहेंगी तभी आगे कर पाएंगे, तो इन बातों को नोट कर लें, ध्यान दें। ये वाला क्वेश्चन तभी लग सकता है जब इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे, आसानी से लगा पाएंगे। क्वेश्चन पहली बार में बहुत टफ लगता है, हो सकता है कि आप कोशिश ना करें, अभी आगे प्रयास ना करें, मगर अगर आप लगाएंगे इस क्वेश्चन को तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पूरे स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे, टाइम समय जाया ना हो इसलिए पहले से ऑलरेडी हमने यहाँ पर पूरा सॉल्व करके दिखाया है। इस चीज़ का क्या मतलब है पहले समझते हैं। यहाँ पे एरो से कुछ भी मतलब नहीं है, यहाँ पे सिंपल मॉड ऑफ एक्स माइनस टू के लिए दिखाया गया है और मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री के लिए दिखाया गया है। दिखाया गया कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, तो यहाँ देखिए 2 पर फोकस करिए, 2 के राइट में हमने बोला था पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, पार्टीशन कितने भी हो इधर पॉजिटिव था और इधर क्या था, निगेटिव। 3 के लिए x माइनस 3 का मॉड 3 पर जाएंगे, अब 3 के इधर क्या था, पॉजिटिव, बाकी क्या था, निगेटिव, तो ये भी निगेटिव ही, दोनों को साथ लिया गया इसलिए 2 और 3 दोनों को दिखाया गया है, इसीलिए 3 के लिए दिखाया गया तो इधर पॉजिटिव, इधर 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 सब निगेटिव, और 2 के लिए दिखाया गया तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव,
दोनों को साथ दिखाया गया इसलिए पार्टीशन कर दिए गए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो केस जो बनाए वो आप अपने आप आपको कंसीडर करने होंगे, खुद के मेंटल एबिलिटी पे बनेंगे, इससे ही डिसाइड होंगे। देखो कौन सा एक केस हमारा ये आया कि एक पार्टीशन हमारा 3 से बड़ा है, एक पार्टीशन 2 और 3 के बीच में है, एक पार्टीशन 2 से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए पहला केस 3 से बड़ा, दूसरे केस में 2 और 3 के बीच में, और तीसरे केस में 2 से छोटा। तो जितने पार्टीशन आएंगे उतने केस बन जाएंगे। अगर 4 पार्टीशन आते, एक और पार्टीशन यहाँ पे हो जाता तो उससे बड़ा, फिर इस केस के बीच में, फिर इस केस के बीच में, इससे छोटा, 5 हो जाते। तो पार्टीशन पर डिपेंड कर रहे हैं केस। तो यहाँ पर 3 पार्टीशन तो 3 केस बने। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए 3 से बड़े के लिए देखिए, तो दोनों प्लस प्लस हैं, इसका मतलब है कि ये वाला भी क्या है, पॉजिटिव में खुलेगा, मतलब कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, आप मॉड हटा दीजिए, वैसे रख दीजिए। प्लस का मतलब है जहाँ पर भी प्लस होगा मॉड से आप वैल्यू को हटा दीजिए, क्यों, ऑलरेडी पॉजिटिव है। यहाँ पर भी ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर इस वाले केस में देखते हैं, देखिए या इसके सामने प्लस लगाया गया तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर निगेटिव है, इसका मतलब है कि इसको जब आप ओपन करेंगे तो उसके आगे निगेटिव के आगे ये निगेटिव है, इसका मतलब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस रखना पड़ेगा। तो जहाँ पर भी जैसे यहाँ, तो इस वाले केस में दोनों के आगे क्या रखा गया होगा, माइनस, यहाँ पर इसके आगे माइनस रखा गया होगा, इसका मतलब ये। तो सारे केस को आप देख लेते हैं, बारी बारी से सारी चीज़ें जान ली हैं। तो इस वाली एक्सप्रेशन को ध्यान दें, यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स माइनस टू की जगह हमने एक्स माइनस टू रख दिया है, और मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री की जगह एक्स माइनस थ्री रख दिया है, और 7 इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू 6 आई। ये रिप्लेस क्यों किया गया, क्योंकि 3 से बड़ा है, और 3 से बड़े वाले पोर्शन में, मतलब 3 से बड़े वाले पोर्शन ये वाले पोर्शन में दोनों ऑलरेडी क्या हैं, पॉजिटिव हैं, यानी कि मॉड में रखने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव, तो मॉड अपना ऑलरेडी जो मॉड का काम था वो पहले ही ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर सॉल्व करके x की वैल्यू 6 आई। अब जब 6 आती है तो आप इस कंडीशन को देखेंगे, उसने कहा 3 से बड़ी कोई वैल्यू होगी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, 6 3 से बड़ी है एक्सेप्ट कर ली जाएगी, ये सोल्यूशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 आता, 1 आता, माइनस बनाता, 3 से कोई भी छोटा नंबर आता सॉल्व करके, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, सोल्यूशन यहाँ इस केस में सोल्यूशन नहीं निकलते। सोल्यूशन कब निकलेंगे, 3 से बड़े या 3 के बराबर वाले में। केस सेकंड में जाते हैं, मतलब सेकंड पार्टीशन में 3 से बड़ा तो इक्वल बराबर यहाँ ले लिया था, जैसे इक्वल पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो 3 को यहाँ ले लिया है तो 3 को यहाँ नहीं लेंगे, 2 को यहाँ ले लिया है तो 2 को यहाँ नहीं लेंगे। ग्रेटर वाले में जैसे एक्स 2 से बड़ा है तो इक्वल ले लेंगे, 3 से बड़ा तो इक्वल ले लेंगे। तो एक बार आप ले लीजिए, एक बार नहीं लीजिए, तो 3 को यहाँ रखा गया, यही नहीं रखा गया। इस वाले पोर्शन में ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको आप ऐसे ही खोल देंगे, इसके आगे माइनस लगा देंगे। दोनों की जगह हमने देखी है, यहाँ पर इसकी जगह क्या कर दिया गया है, ऐसे रखा गया, और इसकी जगह माइनस लगाया गया है, उसको दिखाया गया है कि माइनस लगाने पे 3 - x हो गया। जब देखिए सॉल्व किया तो एक नॉनसेंस वैल्यू आ गई, 1 = 7 नॉनसेंस है, अपसाइड है, यानी इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं मिला, नो सोल्यूशन मिला। और हमारे पास 3 केस हैं, इस केस से तो मिल चुका है ना, इस केस से कोई सोल्यूशन नहीं मिला। केस थर्ड में जाते हैं, तो 2 से छोटे के लिए, मतलब इस पार्टीशन में दोनों की जगह माइनस है, दोनों पे माइनस लगाएंगे। जब भी आप एक्सप्रेशन रखोगे तो इसके आगे माइनस आ गया, यहाँ पे सॉल्व किया गया, सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू माइनस बनाई, हमें 2 से छोटी चाहिए, क्या -1 2 से छोटी है, यस है। तो हमें एक सोल्यूशन मिला पहले वाले केस में 6 और तीसरे वाले केस में -1, या तो 6 या -1 और लगा देंगे। तो ऑप्शन में 6 और -1 किस में है, सी ऑप्शन में। देखा जाए तो ये क्वेश्चन नहीं पूरा चैप्टर था, तो क्वेश्चन और चैप्टर में अंतर होता है, बताया गया है 2 मिनट में और आपको कम से कम 2 घंटे इस पे देने होंगे, तब कहीं कुछ समझ में आने वाली बातें हैं। यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार करिए, इससे ज़्यादा शॉर्ट कुछ बताया नहीं जा सकता, उम्मीद इसे ज़्यादा न रखें। तो जो अभी क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस किया था, अगर उसका कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे तो ये क्वेश्चन को हमने चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाया है, आप अगर उसको कर पाते हैं, इसका आंसर निकाल पाते हैं, तो आप कमेंट्स के थ्रू उसका आंसर पोस्ट करें, मामला क्लासेस आपको अप्रिसिएट करेगी और मानते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल पे होगा, तभी आप कर पाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको वहाँ पोस्ट करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसीडर किया है, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत बार आता है, हो सकता है कि आप इस पर्टिकुलर मैथड की वजह से ना कर पा रहे हो। दिया गया कि x = 2 + 2 की पावर 2/3 +
टू की पावर 1/3, एक थोड़ा सा और टाइप का सर टाइप का एक वैल्यू दे दिया गया है आपको। इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, x³ - 6x² + 6x क्या 2, 3, 5 जो भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शंस बनेगा या नहीं बनेगा ये देखना है। तो करते क्या है, बच्चे जब भी देखते हैं तो उसको यहाँ पर रखने का प्रयास करते हैं तो बहुत बड़ी एक्सप्रेशन हो जाएगी तो वो मुश्किल हो जाएगा। करना क्या है, जो आपको यहाँ दिया गया है देखिए यहाँ पे उसी चीज़ में 2 को हम इधर लाएँ, इसी से यहाँ पे लाएँ तो 2 को इधर लाइए और इधर अलग बचा के रखा, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। फार्मूला a - b³ होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab, a - b होता है और a+b³ होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab, a+b दिखाया है। तो पहले यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ पे फार्मूला जिस तरीके से a - b³ होल क्यूब तो यहाँ x - 2 का होल क्यूब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, एक्सपेंड कर दिया गया और यहाँ पर भी फार्मूले को एक्सपेंड किया गया। यहाँ पे फिर से आगे जाके थोड़ा फर्दर और सॉल्व किया, यहाँ पर अभी तक यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फर्दर आगे सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कटेगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगी तो 2+1/3। और ये चीज़ जो स्टेप आया है यहाँ पर ही थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, यहाँ ध्यान देना है कि जो हमने यहाँ पे लिखा था तो जब हमने इसकी बराबरी माना है फिर से हम इसको हटाने के लिए फिर से हम x-2 रिप्लेस करेंगे, जब तक ये नहीं करेंगे अब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसकी जगह हम यहाँ रख सकते हैं, रखा फिर हमने आगे इसको बढ़ाया और सॉल्व करके 2 आंसर निकाला। बाकी कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन करना है, कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट थी, एक बात तो आप इस तरीके से कर रहे हैं फिर होल क्यूब कर रहे हैं और लास्ट में जाके यहाँ पर a+b की जगह आप दोबारा x-2 रखते हैं। तो पूरा जो हमारे इरेशनल पावर्स हैं वो पावर हट जाएंगी, एक एक्सप्रेशन बन जाएगी, उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, इसलिए आंसर निकालना आसान हुआ, अदरवाइज टफ हो सकता था। तो इसको याद ध्यान रखें, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसकी एक पर्टिकुलर अप्रोच होती है, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार करने पड़ते हैं, प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं, जो पहले ऑलरेडी कर चुके होते हैं वही कर पाते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारी हेल्प नहीं कर पाता है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। तो क्वेश्चन 3 तरीके के होते हैं, एक तो आप प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं कॉन्सेप्ट पे, और मेमोराइज, कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं वहाँ पे फार्मूला आप मेमोराइज़ करते हैं, ऐसे कहने का मतलब रट लेते हैं। तो 3 तरीके के प्रयास करेंगे तभी एग्ज़ाम में आप कर पाएंगे।